इंसान अपने नाम से नहीं बल्कि अपने काम से समाज में अपनी शनाख्त बना पाता है, जिसकी मिसालें भी दी जाती हैं। तृणमूल कांग्रेस के सिपाही शेख मिनाजुल इस्लाम उर्फ मिराज भी उन चंद लोगों में से एक हैं जो आधी रात में समाज के जरूरतमंदों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े नजर आते हैं। ये कहना है बंगियो संख्यालघु बुद्धिजीवी मंच के प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन शेख मोहम्मद अवेजुल हक का। तृणमूल भवन में शेख मोहम्मद अवेजुल हक ने शेख मिनाजुल इस्लाम उर्फ मिराज को बंगियो संख्यालघु बुद्धिजीवी मंच के हावड़ा जिला के ग्रामीण क्षेत्र प्रेसिडेंट के ओहदे से नवाजा है। आपको बता दें, शेख मिराज हावड़ा के उलबेड़िया के ग्रामीण इलाके में अपने अच्छे कारनामों की वजह से वहां के लोगों के दिलों में राज करते हैं। इस खुशी के मौके पर मौजूद थे एक्टर एंड डायरेक्टर आदित्य राय चौधरी, स्टार क्लब के सेक्रेटरी सईदुल इस्लाम, आरिफुल इस्लाम, शेख बच्चू, शेख मुस्तफा, हाजी मोहम्मद शाहिद, चांद वारसी, शेख बाबर, शेख निजाम, शेख मजहर, मोहम्मद कमाल, शेख रज्जू, शेख असलम, शेख राजा, मोहम्मद नदीम, फैसल अली के अलावा दिगर लोगों ने भी मुबारकबाद पेश की। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। अच्छा, ओ बहुदिन थे के हमारे संगे आज 1998 साले तृणमूल कांग्रेस दल तैरि हार पर मिनाज हमारे संगे क्ज करतप्रद क्ज करार पर से योग्यता अर्जन करते पे तर क्जे मध्य दिए रियलाइज करते पे मिनाज एन शक्तपोक्त भावे দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার মতো তার মধ্যে যা যা ক্রিয়েটিভিটি এবিলিটি থাকা দরকার সব সে অর্জন করেছে। তারপরে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমাদের বঙ্গীয় সংখ্যালঘু বুদ্ধি মঞ্চের চেয়ারম্যান সুব্রত বক্সির সঙ্গে আলোচনা করার পরে আজকে মিরাজকে আমি হাওড়া গ্রামীণের সভাপতি করেছি বঙ্গীয় সংখ্যালঘু বুদ্ধি মঞ্চে। দায়িত্ব নিয়ে কাজ করবে এবং দক্ষতার সঙ্গে কাজ করবে। নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেছে, আজকে তার পুরস্কার দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মিরাজও ঠিক একই রকম ভাবে প্রথম থেকেই কাজ করছিল, ওই কাজের উপর আমরা নজর রাখছিলাম এবং নিশ্চিতভাবে ও সে যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছে বলে আজকে ওকে গুরু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সব থেকে আমরা যেটা লক্ষ্য দিই যে আমাদের সততার সঙ্গে কাজ করতে হবে, মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে, মানুষের সাথে থেকে কাজ করতে হবে। মানুষের সঙ্গে থাকাটাই হচ্ছে বঙ্গীয় সংখ্যালঘু বুদ্ধি মঞ্চের মোটো। আমাদের লক্ষ্য একটাই, কোনো মানুষ যেন কোনোভাবে বঞ্চিত না হয়। অবহেলিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত, শোষিত মানুষদের থাকার অঙ্গীকার নিয়েই বঙ্গীয় সংখ্যালঘু বুদ্ধি মঞ্চ যাত্রা শুরু করেছে। স্বাভাবিকভাবে মিরাজ সেই পরিবারের সদস্য আগেও ছিল, এখনো আছে, ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতেও থাকবে। তবে গুরু দায়িত্বটা ছিল না, আজকে দারুণ বিরাট বড় দায়িত্ব দেওয়া হলো ওকে। হাওড়া গ্রামীণটা পুরো দেখবে, খুব শীঘ্রই আমি আজকে বলেছি ওকে কমিটি তৈরি করে দেবে। কমিটি করে ব্লক যত 13টা বা 14টা ব্লক আছে সেই ব্লকগুলো সাজাবে, অঞ্চল সাজাবে, বুথ সাজাবে, সাজিয়েও কমিটি আমাদেরকে তৈরি করে দেবে। আমরা সেই সংগঠনটাকে সেইভাবে আগামী দিনে হাওড়াতে ঢেলে সাজাবো। দাদা, বহু সারে লোককে জিম্মেদারি দি যাতি ও জিম্মেদারি কে বারে মে কুছ ইনস্ট্রাকশন দি দিয়া যাতা তো কি পার্টি কি তরফ সে আপ লোগো কো কোই ইনস্ট্রাকশন দেতে কি কিস তরহ সে কাম করনা হ্যায়? খুদ হাম জো কাহা আদমী কা সাথ লেকে চলনে হাম লোগ কা মোটো হ্যায়। जिस आदमी हम लोग पॉलिटिशियन, पहले हम लोग है सोशल वर्कर, सेकंड हम लोग है पॉलिटिशियन। तो हम लोग बुनियाद को अगर हम लोग भूल जाएंगे तो हम लोग सब बेकार हो जाएंगे। मुद्दा एक ही है, ममता दी को हम लोग को लेकर साथ लेकर चलना है, तृणमूल कांग्रेस को लेकर चलना है। 2024 में इलेक्शन है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, उसमें भी हम लोग जबरदस्त हम लोग कैंपेनिंग करेंगे, आदमी को समझाएंगे। दूसरा बात है, आप लोग को पता है जो रक्षा समिति हुकूमत में है, इंद्र सरकार में जो है उनको हटाना बहुत जरूरी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने चाह रहा है। बहुत बड़ा आप लोग देखते हैं, आप टीवी में सब मीडिया नहीं बोलेंगे हम लोग, कुछ कुछ मीडिया परचेज भी होगी। तो इसको लेके इंडियन को कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, सेकुलरिज्म को ठीक करना है, इसका लड़ाई हम लोग अभी से स्टार्ट करेंगे। मिराज को इंस्ट्रक्शन देंगे, हावड़ा को हर घर घर में आदमी को समझना है। कम्युनल वायलेंस हम लोग नहीं चाहता है, हम लोग सबको मिलके लेके ट्राइबल हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, सबको लेकर हम लोग चलने के लिए आज यात्रा शुरू करेंगे। मिराज भाई मेरा बहुत अच्छा लड़का है, काम करने वाला लड़का है, हौसला बुलंद है, तो इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे और तृणमूल कांग्रेस को और हम लोग का बुद्धि मंच को भी वो एक साथ लेके काम करेंगे। टीएमसी में युवाओं की तादाद अब ज्यादा हो रही है ओल्ड एज के बनिस्बत,
क्या पार्टी को आगे ले जाने का एक लाहेमल है जो सीपीएम, जिसके वजह से सीपीएम बैकफुट में देखी जा रही है। हम लोग सब है, ओल्ड न्यू सब को लेके हम लोग चल रहे हैं, न्यू ओल्ड बोल के नहीं है, परिवार हम लोग का फैमिली है, फैमिली का हम लोग का गार्जियन ममता बंदोपाध्याय है, अभिषेक बंदोपाध्याय है, ममता बंदोपाध्याय जैसा लेके चल रहे, अभिषेक जुबा है वो उसका काम कर रहे हैं, मिल झुल के हम लोग कर रहे हैं, हम लोग का आदि नब्बो बोल के कुछ नहीं, सब हम लोग तृणमूल का परिवार है, ममता दी का साथ लेके हम लोग चलने वाला है, इसमें जुबा भी आएंगे, जो ओल्डर से वो भी उसको ये नहीं एक्सपायर नहीं हो गया, उसका जो तजुर्बा है एक्सपीरियंस है उसको हम लोग को समझना है, उसको लेके चलना है, उसका गाइडलाइन लेके हम युवा को हम लोग उन लोग का जो इतना दिन का एक्सपीरियंस है उसको बहुत जरूरी है, अभी उसको लेके हम लोग चलेंगे इंशाल्लाह। युवा बोलिए और जो पुराना है जो पहले दिन से पकड़ मजबूत करके आज पॉलिटिशियन में तृणमूल को लाने में कौन किसका उन लोग का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, उसको भूलने हम लोग नहीं भूलेंगे, सबको लेके हम लोग मिल झुल के चलेंगे। कल नेताजी इंडोर स्टेडियम में इमाम मौजिन कॉन्फ्रेंस और आज पूजा कमेटी को लेकर के कॉन्फ्रेंस दोनों एक साथ लगभग किया जा रहा है, क्या मैसेज है ये? तो एक कथा मोहम्मद दीदी बार बार बोले धर्म जर जर उत्सव सब, तो हम लोग हर रिलीजियंस का ममता दी कल बोले आप लोग सुने होंगे नेताजी स्टेडियम में दुर्गा पूजा में ममता दी का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, बड़ा दिन में भी है, ईद में भी है, बकरीद में भी है, सब में ममता दी है, ममता दी बोलते हम किसी का नहीं हम सबका है, ये तो भाईचारा है, ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबको लेकर चलना, ये ममता दी कर रहे हैं। कल इमाम लोग को लेकर बैठा, आज पूजा कमेटी को लेकर ममता दी बैठा हुआ है, कल इमाम मौजम का भाता बढ़ा है, संग संग पुरोहित का भी 500 रुपीस इंक्रीज किया गया है, मगर तो सबको लेकर चलना, मगर वो भाता जो बढ़ाया गया है इसको लेकर के इमाम नाराज है, क्या कहेंगे? मेरा पास अभी तक खबर नहीं है, अगर मेरा पास खबर नहीं हम कैसे, हम आपको वीडियो भेज देंगे, हम वीडियो जरूर आगे देखेंगे। लेकर के इमाम तकरीबन सभी लोग नाराज है और 2024 में उन लोगों ने सबक सिखाने का भी वादा किया है, क्या कहेंगे? देखिए पहले बात आपको बोले बारे में जानकारी नहीं है, मेरे पास कुछ खबर नहीं है, मेरा तक जहाँ तक मेरा जानकारी है इमाम लोग बहुत खुश है, इमाम लोग बहुत सहमत है, सबसे बड़ा बात है 2011 का बिफोर 2011 इमाम साहब कोई सम्मान नहीं था बंगाल में, मौजम कोई पूछता नहीं था, अभी ममता दी आने का बात इमाम लोग को सम्मान दिया गया है, ममता दी का खुद ने कहा मेरा जो फिनेंशियल बहुत वीक हूँ मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत रुपये हमको नहीं दे रहा है, 100 दिन का काम का पैसा नहीं आ रहा है, फिर भी हम कोशिश करेंगे इमाम लोग को सम्मान देने के, सम्मान दे रहे हैं इमाम लोग का, ठीक है इंशाल्लाह, अगर नाराज होगा मेरे पास भी अभी तक मैसेज नहीं है, अगर नाराज उन लोग के बैठ के इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे। देखिए संघा बुद्धिजीवी मंचर प्रेसिडेंट हमें दायित्व दिए हावड़ा डिस्ट्रिक्ट, আমি এতদিন ধরে পার্টিকে তো ভালোবেসে কাজ করেছি, আজকে আমি একটা পোস্ট পেয়েছি সভাপতি, সভাপতি থেকে আমরা এবারে অনুবড়িয়া হাওড়া কাজ আমরা করবো ইনশাল্লাহ। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, क्या कहना चाहिए, कैसे आप अचीवमेंट करें? बहुत अच्छा लग रहा है, सबको लेके काम करना है, इतना दिन से काम करते आया है, फिर अभी से अच्छा फैजुल भाई का हाथ है मेरा ऊपर, अच्छे से हम लोग काम करेंगे इंशाल्लाह। आप एज ए सोशल वर्कर काम करते थे लेकिन आज पार्टी ने आपको एक जिम्मेदारी दी है जी, तो कैसे निभाएंगे, कुछ प्लान है आपके पास? ऐसा देखिए अभी हम अजुल भाई बोला है हमारा वार्ड में हमारा गांव में एक तो ब्लड डोनेशन, अगला हफ्ता हम लोग इंशाल्लाह बात करके तो ब्लड डोनेशन हम लोग जल्दी से जल्दी करेगा, जो भी देगा सब काम करते रहेगा, हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। गांव में तो आपको देखे हुए हम जो मदरसा भी खुला है उसमें 235 आदमी भी यतीम बच्चा लोग पढ़ता है, उसका भी हम प्रेसिडेंट है, अच्छा से चल रहा है। अजुल तो हमार गार्जियन अच्छे, उन्हीं हमार बड़ो भाई अच्छे, एतदिन साथे हमरा पार्टी करे छि, उन्हीं हमार भालो मंद बुझेछे बोले आज के हमके एकटा पद दिए छे, सही हिसाबे हमरा एकटा हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट करे छे, सही हिसाबे हमरा काज करबो इंशाल्लाह सबाइके निये, आमी एतदिन धरे सबाइके निये चलते पेरेछि, एतदिन आगामी दिनों सबाइके निये हमरा चलबो इंशाल्लाह। जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो लोग बोलते हैं कि हम पब्लिक के साथ रहेंगे, जैसी हाँ ऐसी तो वैसे ही लोग पब्लिक को बेवकूफ बनाने लगते हैं, नहीं ऐसा तो बात ही नहीं है, हमको जिम्मेदारी मिले चाहे नहीं मिले जैसा करते हुए आया है वैसा करते हुए रहेगा, जब तक जिंदा रहेगा तब तक हम लोग करते रहेंगे, दीदी का पहचान दीदी का लोगो देख के हम लोग काम करेगा इंशाल्लाह। इतना एक्टिव कैसे रहते हैं आप, एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी है, पब्लिक का दुआ है, आप लोग का दुआ है, आपका दुआ है, गरीब लोग का दुआ है, 24 घंटा हम लोग साथ पब्लिक का साथ रहते हैं। देखिए ये बहुत पहले मिलना चाहिए था क्योंकि वो लगभग मेरे से 4-5 साल से मुलाकात है, वो जितना सोशल काम करते हैं सब लोग के लिए इतना
जान निछोवर करते हैं, तो इससे पहले मिलना चाहिए था, पर अल्लाह का शुक्रिया कि उनको मिला और मुझे यकीन है कि इसको और अच्छे से करेंगे और बहुत सारे इंसान और जो जो उनसे इंस्पायर हो रहे हैं आमताज हावड़ा से, वो सब आएंगे और बहुत अच्छा काम होगा, क्योंकि जो भी है इंसानियत को ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है और मिराज दाई बहुत अच्छी तरह से करते हैं। ये तो पॉलिटिक्स भी एक परिवार की तरह है, तो पापा का जो ब्रेन है उसको हम लेंगे और काम हम करेंगे, तभी पॉलिटिक्स हो या घर हो अच्छे से चलेगा। वैसे जो सीनियर जो लीडर है जो है सब, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है, ऐसा नहीं है, सब है मिलजुल के, जिसको जहाँ पर होना चाहिए हमारा जो मतलब पकड़ लीजिए आज मिराज दा तो सीनियर ही है, फिर भी उनको मिला, नया को कोई नहीं मिला, तो इसीलिए मिला ना क्योंकि वो इसके लिए उम्मीदवार है, इसीलिए मिला, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए ये सिर्फ पुरोहित तो इमाम का कोई बात नहीं है, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पर मुझे लगता है कि हमारा सीएम जो करते हैं ये कभी कोई सोचा नहीं है, आज तक कोई सोचा नहीं कि पुरोहित हो या इमाम हो किसी को भाता भाता बोल के बहुत छोटा करेंगे, भाता नहीं है, एक रिस्पेक्ट के लिए दिया जाता है, क्योंकि वो अल्लाह के लिए हो या भगवान के लिए जो जितना उनका जो ताबेदारी करते हैं जो उनको पूछते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे हैं जहाँ पर उनको कुछ मिलता ही नहीं है, घर जाते हैं तो कुछ नहीं मिलता, तो दीदी को लगा कि नहीं उनको भी कुछ चाहिए, तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, उनका सम्मान के लिए दिया गया, इसमें 500-1000 बोल के नहीं करेंगे, ये रेस्पेक्ट की बात है, आप ये सोचिए कि रेस्पेक्ट कितना मिल रहा है। देखिए महराज भाई तो जब आज से नहीं बहुत पुराने पॉलिटिकल साथी हैं और ये जिम्मेदारी वो बिना पद का भी निभाते आए, सबसे बड़ी बात है कि आज उसको रिकॉग्नाइजेशन दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट बात है, पार्टी की तरफ से ध्यान रखा जाता है एक ग्राम में एक छोटे से कॉर्नर में कौन सा कार्यकर्ता काम कर रहा है ये पार्टी का नज़र रहता है, तो एजुल भाई का काफ़ी हम लोग शुक्रिया अदा करेंगे कि महराज भाई जैसा एक सिपाही तृणमूल का ममता बनर्जी का सिपाही जो निष्पक्ष भाव से, मतलब मैंने देखा है कि इस लड़ाई में हमेशा हर इलेक्शन में जब सीपीएम से हम लोग लड़ रहे थे खानापुर में इकबाल भाई कहते हैं उस दौर से बम गोली चल रहा है, लेकिन महराज भाई उस वक्त से लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आज पार्टी पावर में आई है तब ही आए हैं, इनका लड़ाई इनका जद्दोजहद सीपीएम के दौर से है और मेहनत इनका काफ़ी है, आज हमको हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कम लोग होते हैं जो सियासत में अपनी जगह बना पाते हैं, मगर देखा जा रहा है कि महराज भाई, देखिए महराज भाई का शुरू से टारगेट राजनीति करने का नहीं सोशल वर्क करने का है, वो हमेशा हर किसी का जो इतना लोग देख रहे हैं ना कहीं कभी ना कभी किसी को कहीं भी जरूरत पड़ा है ना हम लोग हमारे लिए इनके लिए इनके ई पहुंचे हैं, एक फोन में पहुंचे रात में 2 बजे पहुंचे, पहले वो पहुंच जाते हैं हम लोग के लिए, तो ये उसका प्यार है जो आज यहाँ पर हम लोग सब खड़े हैं, बात राजनीति का नहीं है, उनका दिल में जो वो सोशल वर्क को लेकर जो जज्बा है ना इसको हम लोग सल्यूट करते हैं, हम लोग इसको सलाम करते हैं। दिस इज द थिंग इज दैट डेस्टिनी कैन नॉट बी डिनाइड, मिराज शेख का डेस्टिनी था मानव प्रेम मानव सेवा, ये मानव प्रेम और मानव सेवा के लिए वो जो करते हैं, इवन ऑल्सो मोमेडन स्पोर्टिंग क्लब के जो वो शरीर खून देते हैं हर टाइम हर वक्त, और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई छोड़ के रात भर दिन भर वो जो करते हैं खटते हैं और हम सब उनके साथ रहते हैं, ये उनका डेस्टिनी था और जो डिलेड हो सकता है बट डिनाइड नहीं हो सकता है। सो आज हमारे विशेष दिन है मिराज शेख साहब के लिए, आज उनको ये सम्मान मिला और डेस्टिनी कैन नॉट बी डिनाइड, इसका प्रमाण खुद मिराज भाई से सभी जो हमारे दल के हैं सभी सीखे और सीखने की कोशिश करें कि मिराज शेख ऐसा व्यक्ति है जो डेस्टिनी के सामने पहुंच गए हैं और आगे तरक्की करेंगे। मिराज भाई परिचय আমার অনেক দিন থেকে মিরাজ ভাইয়ের সঙ্গে দলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে দীর্ঘদিন থেকে লড়াই করে গেছে, মানুষের পাশে থেকেছে, মানুষের সেবায় নিয়োজিত হয়েছে। আমার একটা সোশ্যাল অর্গানাইজেশন আছে, সেই সোশ্যাল অর্গানাইজেশনে আমি যখনই মিরাজ ভাইকে ডেকেছি, মিরাজ ভাই যেমন পৌঁছেছেন তার সাথে সাথে মিরাজ ভাইয়ের সাথী সঙ্গে এবং সুলতানদা সমেত যখন ছিলেন তখনও ওই প্রোগ্রামে উনি যেতেন। তো আমি খুব আপ্লুত, অন্তত আজকে একটা হলেও ছোটো জায়গা হলেও ওটার ব্যাপ্তিটা আরও উপরে যাওয়া উচিত আমি মনে করি, কিন্তু তা না হলেও যে জায়গায় পৌঁছেছে এতে আমরা খুবই আনন্দিত, আমরা খুবই আপ্লুত, এবং আগামী দিনে ওনাকে সহযোগিতা করে ওনার যোগ্য সম্মানের জায়গায় পৌঁছানোর দায়িত্ব আমাদের, আমরা সেই দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে যাব।